तो इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन और अपील करने आए हैं। समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो आपने पढ़ा होगा। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, हमारे किसानों की सिंचाई के लिए भी बिजली पूरी माफ होगी, सिंचाई माफ होगी, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। जो हमारा गरीब किसान है, जिसे ये सरकार खाद नहीं दे पाई, डीएपी नहीं दे पाई, बताओ डीएपी और खाद दे पाई सरकार के, नहीं दे पाई। इसलिए समाजवादी लोगों ने कहा है कि अगर हमें किसानों को, गरीब किसानों को डीएपी और खाद देनी पड़ी तो सरकार की तरफ से उन्हें दिलवा करके फ्री देने का भी काम और इंतजाम समाजवादी सरकार में होगा। याद है कि नहीं याद है, 500 रुपए समाजवादी पेंशन दे रहे थे। यहां की माताएं बहनें जो गरीब हैं उनको 500 रुपए समाजवादी पेंशन मिल रही थी, और जिस समय सूखा पड़ा था उस समय समाजवादी पार्टी ने कहा कि 100% महिलाओं को हम लोग समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम करेंगे। पहले 500 रुपए दे रहे थे, इस बार समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 1.5 गुना 1500 रुपए महीना और 18,000 रुपया साल अगर देना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में माताओं बहनों को पेंशन देने का काम करेंगे। इधर स्वास्थ्य को लेकर के बहुत चिंता है, हमारे गरीब इलाज नहीं करा पा रहे, इलाज के लिए इंतजाम नहीं है, न दवाई है, न बिस्तर है, न अस्पताल है। जो एम्बुलेंस चल भी रही थी उसको बर्बाद कर दिया। इसलिए बुंदेलखंड में जहां झांसी में मेडिकल कॉलेज है, अगर उसको सुविधा दे करके, पहले 500 बेड बनाया था, 500 बेड के और आगे भी ले जाना पड़ा, तो मेडिकल कॉलेज को ले जा करके और एम्बुलेंसों की संख्या दुगनी कर करके, जिससे हमारे गरीबों का इलाज अस्पताल में हो जाए, वो इंतजाम करेगी समाजवादी पार्टी। पुलिस को लेकर के समाजवादी पार्टी ने बहुत सुधारने का काम किया। पहले याद कीजिए, थानों में डीजल पेट्रोल नहीं मिलता था, कोई बजट नहीं था, ये 100 नंबर वाली गाड़ी जरूरत और मदद के लिए फोन करके गरीब पर पहुंच रही थी। इस सरकार ने केवल एक काम किया है, 100 नंबर का 112, 100 नंबर का 112, और जब से हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने 112 किया है तब से पुलिस भी हमारी कबाड़ा हो गई। बताओ पुलिस कबाड़ा हो गई कि नहीं हो गई? और इधर मुख्यमंत्री जी धमकी दे रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। अब शायद दूसरे चरण में रही बची बाबा मुख्यमंत्री जी की गर्मी निकल जाएगी। और जब से पहले चरण का बोर्ड पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। और अब आपकी जिम्मेदारी है तीसरे चरण में जो लोग गर्मी निकाल रहे थे उनको पूरा ठंडा करने का काम बुंदेलखंड के लोग करेंगे। बताओ करोगे कि नहीं करोगे ने ठंडा? और हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, ये गर्मी निकाल लें, हम लोग फौज में और पुलिस में भर्ती निकाल करके नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। इधर सरकार में लाखों लाख पद खाली हैं, लगभग 11 लाख सरकारी नौकरियों के पद खाली हैं। समाजवादी पार्टी ने तय किया है सरकार बनेगी तो नौजवानों को नौकरी देने के लिए 11 के 11 लाख पद भरे जाने का काम होगा। ये हमारे बीएड टीटी वाले लोग जाने कब से आंदोलन कर रहे हैं, कब से आंदोलन चल रहा है आपका, और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है इनकी। ये जब कभी भी लखनऊ गए होंगे तो इन्हें अपमानित होना पड़ा है। इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी तो बीएड टीटी वालों को
पूरा का पूरा समाहित और इन्हें भी नौकरी देने का काम समाज सरकार में होगा। 69,000 वाले न जाने कितने दिन से आंदोलन कर रहे थे, हर 6 महीने में लाठी खाए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। सालों साल लखनऊ में रुके रहे, लेकिन उनको नौकरी का भरोसा दिलाने के बाद भी उन्हें समायोजन नहीं किया। उनके आरक्षण से खिलवाड़ हुई है, उसमें सुधार करके और 69,000 में जो आरक्षण को लेकर के भेदभाव हुआ है, उस भेदभाव को खत्म कर करके उन्हें भी नौकरी देने का काम समाज सरकार में होगा। इधर सुनने में आता है कि बीजेपी के लोग ये चिल्लाते हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो हो सकता है एक ही लोगों का कब्जा हो जाए। कभी कभी आरोप लगाते हैं समाजवादियों पे, बताओ आरोप लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? जब समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम जाति जनगणना करना चाहते हैं, बीजेपी के लोग पीछे हट गए, जाति जनगणना नहीं करना चाहते। हमने कहा अगर आरोप लगा रहे हो भेदभाव का तो कम से कम उत्तर प्रदेश की जातियां गिनती हो जाएं और हर जाति को ये पता लग जाए कि वो आबादी में कितने हैं। लेकिन ये सरकार आगे नहीं आ रही है, इसलिए बुंदेलखंड के लोगों को मैं भरोसा दिला के जा रहा हूं कि आज टेक्नोलॉजी है, आज ऐसा इंतजाम है, आज अगर हम चाहेंगे तो कम समय में भी जाति जनगणना हो सकती है। इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी, 3 महीने के अंदर सभी जाति जनगणना करा करके कम से कम जिसकी जितनी आबादी है उसके साथ उसको भागीदार देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इधर बुंदेलखंड बहुत पीछे छूट गया है, इधर बुंदेलखंड बहुत पीछे छूट गया विकास में। जो एक्सप्रेसवे बनाया बाबा जी ने, पिछले 5 साल में पूरा नहीं कर पाए। जो डिफेंस कॉरिडोर बनाकर के कहा कि यहां पर डिफेंस की बड़ी बड़ी चीजें बनाई जाएंगी, बताओ झांसी के लोगों, प्रधानमंत्री कई बार आए, उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, बताओ हम भी देखना चाहते हैं वो डिफेंस कॉरिडोर कहां बनके तैयार हो गया है। और पता नहीं क्या सपने दिखा रहे थे कि क्या बनाएंगे यहां पर, क्या बनाएंगे यहां पे, कह रहे थे मिसाइल बनाएंगे, मिसाइल कहां पर मिसाइल बनने लगी है। अगर कहीं मिसाइल बन रही हो तो बताओ हमें। जो बवीना कैंटोनमेंट है कहीं उसके आसपास तो नहीं बन रही? कौन सी फैक्ट्री बनने जा रही थी, लगने जा रही थी? लखनऊ में देख लो बड़े बड़े विज्ञापन लगे हैं, क्या झांसी में, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े कारखाने लग गए हैं। अगर दिल्ली में कोई रिश्तेदार हो तो पूछ लेना, दिल्ली में बड़े बड़े विज्ञापन लगे थे, लखनऊ में देश के सब उद्योगपति बुलाए गए, बड़े बड़े उद्योगपति बुला करके एमओयू साइन हो गए, समझौते हो गए। और इसी सरकार ने कहा कि हम लगभग 5 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश में पैसा लगाने का काम करेंगे। बताओ हमारे झांसी के लोगों, कौन सा कारखाना और उद्योग लग गया आपके बीच में? वो जो 5 लाख करोड़ की बात थी वो कहां चले गए पैसे? पता नहीं कहां चले गए, ये बात तो धुआं उड़ाने वाले ही बता सकते हैं कि कहां चले गए। ये तो एक्सप्रेसवे से जोड़ रहे थे, समाजवादी सरकार बनेगी तो झांसी को एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम करेंगे। यहां पर हम लोगों ने किसान बाजार भी बनाए, हर जिले में मंडी भी बनाई। अपने किसान भाइयों को हम कह के जा रहे हैं कि जिस तरीके से मंडियों का नेटवर्क बन रहा था, हमें अगर अलग से भी पैसा बजट के लिए रखना पड़ेगा, पैसा रखेंगे, फार्मर्स कॉर्पस फंड बनाएंगे,
जहां हमारे पहले चरण के लोगों को गन्ने के भुगतान में देरी होती है, यहां पर किसान की कोई पैदावार एमएसपी पर नहीं खरीदी जाती है, हमें कोई भी इंतजाम करना पड़े, ज्यादा से ज्यादा मंडी को ठीक करना पड़े, समाजवादी लोग ठीक करेंगे और हर फसल की एमएसपी हम लोग किसानों को दिलवाने का काम करेंगे। यहां पर सैनिक स्कूल भी बनाया, लेकिन जितना बनाया उतना ही बनाया, आगे नहीं बढ़ पाया। अगर सैनिक स्कूल की तरह ही उत्तर प्रदेश से सैनिक स्कूल हर जिले में बनाने पड़े तो समाजवादी सरकार में हर जिले में सैन्य स्कूल बना करके नौजवानों को अधिकारी और फोर्स में भेजने का काम करेंगे। पानी को लेकर के हमेशा समस्या रही है बुंदेलखंड में, ये हमारे समाजवादी लोग जानते होंगे। यहीं पर डैम बन रहा था, जितना काम समाजवादी सरकार में हुआ वही उतना ही हुआ, उसके आगे नहीं बढ़ पाया। जो डैमों का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन भी किया वो भी समाजवादियों की सरकार का बना हुआ डैम था। हमें अलग से अगर कैनाल सिस्टम को और बेहतर करने के लिए कोई इंतजाम करना पड़ा तो हम समाजवादी लोग कर करके खेतों तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। इधर बुंदेलखंड में बहुत संभावनाएं हैं। जब मैं हमीरपुर आया था तब पत्रकार साथियों ने मुझसे बहुत सवाल पूछे थे, उनके जवाब में मैंने कहा कि आज सरसों का तेल आसमान छू रहा है। याद कीजिए 2014 में 2017 में या कुछ वर्षों पहले सरसों के तेल की कीमत क्या थी और आज कहां पहुंच गया। अगर हमें बुंदेलखंड के किसानों को मदद कर करके अगर सरसों की पैदावार तिल की पैदावार बढ़ाने के लिए पहले से ज्यादा सब्सिडी अगर देनी पड़ी, अलग से भी इंतजाम करना पड़ा तो समाजवादी लोग करेंगे। साथ ही साथ ये बुंदेलखंड हमारा ऐसा है जो सरसों के पैदावार में भी बढ़ सकता है और अगर सरकारी मदद हो जाए तो सरसों का तेल भी और तिल को लेकर के भी अगर हमें कारखाना लगाना पड़ेगा तो चाहे 100 करोड़, 200 करोड़ या 300 करोड़ सब्सिडी दे करके अगर कोई कारखाना लगाएगा तो बुंदेलखंड में कारखाना लगा करके पूरे उत्तर प्रदेश के बाजार में यहाँ के सरसों का तेल की मदद करने का काम होगा। और क्यों नहीं हो सकता, इसलिए समाजवादी लोग जो बात कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये भरोसा है कि नहीं है? ये उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा चुनाव है, बीजेपी के सब नेता आ रहे हैं, पूरे प्रदेश और देश के नेता आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? और नोटबंदी से लेकर के अभी तक हिसाब किताब लगा लो, पूरा व्यापार बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया? और राह बचा कोरोना के समय बर्बाद हो गया, न जाने कितने व्यापारियों की भी जान चली गई, सरकार ने कोई मदद नहीं की। अगर सरकार मदद करती तो शायद ये हालात नहीं होते। अगर किसी ने देश की अर्थव्यवस्था को बचाया जहां सब कारखाने उद्योग बंद थे, लेकिन हमारे किसान ने खेती नहीं छोड़ी और खेती करते रहे, उसी का परिणाम है कि हमारी अर्थव्यवस्था बच गई। अगर किसान भी अपनी खेती नहीं करता तो देश की अर्थव्यवस्था नहीं बच सकती थी। इसलिए इस मौके पर हम आपसे विशेष निवेदन करने आए और अपील करने आए हैं। बहुत संभावना है बुंदेलखंड में और बहुत कुछ किया जा सकता है। समाजवादियों को मौका दो, पहले से ज्यादा काम और विकास करने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे और बिना भेदभाव के करेंगे, बिना भेदभाव के होगा काम। और अगर कोई अपराधी, कोई गुंडा, कोई माफिया अगर गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो उसको दूर भेज दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं देगा। जो बाबा मुख्यमंत्री माफिया और उनके नाम लेते हैं वो क्यों लेते हैं, कभी सोचा आपने? क्योंकि शीशे में वो किसी को देख लेते हैं सुबह सुबह, और जब शीशे में वो सबसे पहले जिसको देखते हैं उसी की चर्चा पूरे दिन करते हैं।
इसलिए इस मौके पर हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि समाजवादियों की मदद करना, चुनाव चिन्ह साइकिल की मदद करना, बताओ मदद करोगे कि नहीं करोगे? और आपको भरोसा है कि नहीं है कि समाजवादी आएंगे तो काम करेंगे? हम लोग काम करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं और खुशहाली के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, सड़क बनानी पड़ेगी सड़क बनाएंगे। आपके जानवरों के लेकर के अगर उसकी समस्या का समाधान करने के लिए हमें कोई विशेष योजना बनानी पड़ेगी तो अन्ना जानवरों की समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग काम करेंगे। बजट से अगर हमें चाहे ज्यादा पैसा देना पड़े सिंचाई के इंतजाम को लेकर के, पानी की व्यवस्था को लेकर के अगर बजट का ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो देंगे, जिससे कि घरों में भी पानी पहुंच जाए और यहां के किसानों के खेत में भी पानी पहुंच जाए, उसका इंतजाम करेंगे। ये हमारे नौजवान बड़े पैमाने पर बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। इनकी डबल इंजन की सरकार भी देख ली, जिसने नौकरी छीनी है, रोजगार छीने हैं। न केवल नौकरी रोजगार छीने हैं बल्कि इन्हीं के लोगों ने इन्हीं अपने बैंकों से पैसा लेकर के भी भाग गए। आप लोग जानते होंगे और पढ़ते भी होंगे, जानकारी भी होगी, सबसे ज्यादा पैसा बैंकों का लेकर के कौन भागे ये बताओ आप। और जो अभी 28 बैंकों का पैसा लेकर के भागे वो कहां के थे? और ये जो चिल्ला रहे हैं परिवार वाले, याद रखना जिनके पास परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख दर्द नहीं समझ सकते। बताओ इनका परिवार है कि नहीं है? तभी तो 28 बैंकों से 22,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग गए। बताओ भागा कि नहीं भागा? और इससे पहले जो भागे वो कहां के थे? थे कि नहीं थे वहां के? और अगर ये इन्हें मौका मिल गया तो हो सकता है इस बार बैंकें भी भारत से छोड़ करके चली जाए। हमारे लोगों ने जिन्होंने पैसा रखा होगा बैंकों में, बताओ 14 में कितना इंटरेस्ट मिलता था, 17 में कितना इंटरेस्ट मिलता था, और आज अगर बैंक में पैसा रख दोगे तो आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है ये बता दो आप। आपका पैसा बैंक में और बैंकों का पैसा किसी और पर, जब ज्यादा हो गया तो कहां चले गए वो लोग? और गिनती कर लेना, एक दो नहीं, न जाने कितना लाखों करोड़ रुपया भारत का लेकर के बैंकों का भाग गए लोग। इसलिए उत्तर प्रदेश बचाओ, उत्तर प्रदेश बचेगा तो देश बचेगा। इसीलिए आपने देखा हो उत्तर प्रदेश का चुनाव देख करके बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, और जैसे जैसे हार होगी इनकी वैसे वैसे इनकी भाषा बदलेगी। बताओ भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? हम समाजवादी लोग अपने मैनिफेस्टो पे बात कर रहे हैं कि किसानों को ये सुविधा देंगे, नौजवानों को ये सुविधा देंगे, बिजली बनाएंगे और बिजली भी सस्ती कर देंगे, और जो सुविधाएं हैं वो देने का काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सुन लो भाषण क्या है उनके। इसलिए सावधान रहना इनसे, और सावधान रह करके इन झूठों को इस बार सबक सिखाने का काम करना, यही अपील मैं आपसे करने आया हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि गरौठा से लेकर के मऊरानीपुर, बबीना और झांसी सभी विधानसभाएं आप जिताने का काम करेंगे। अपनी जाति धर्म भेदभाव मिटा करके, आपस का सब कुछ खत्म करके, हम अपने तमाम उनका भी धन्यवाद देंगे जो लोग टिकट मांग रहे थे लेकिन आज हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं। सभी लोगों से हमारी अपील है कि सहयोग करें, मदद करें। टिकट मांगने तक तो मांगी जाती है लेकिन जब टिकट मिल जाए तो उसका सहयोग और मदद करना। मैं अपना भरोसा दिलाता हूं अपने श्रीरामपाल जी को और कुशवा जी को। इधर आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी में रहे मंत्री वो आपके साथ आ गए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी आपके साथ आ गए कि नहीं आ गए?
दारा सिंह चौहान आ गए कि नहीं आ गए? और पहले चरण में हम लोगों ने इनका सफाया कर दिया कि नहीं कर दिया? और रहा बचा दूसरे चरण में सफाया होने जा रहा है, और तीसरे चरण में आपकी जिम्मेदारी है, बताओ बीजेपी को शून्य कर दोगे कि नहीं कर दोगे? ये हमारी जिम्मेदारी है इन लोगों का सम्मान करना। हम इनका सम्मान करने का काम करेंगे, और सरकार बनेगी तो बहुत सारे लोगों का सम्मान करेंगे, यही भरोसा है। इसी उम्मीद के साथ कि आप सब लोग समाजवादी पार्टी की मदद करेंगे, एक एक वोट देकर के जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुई हैं, वंदना पाठक जी उनका धन्यवाद देता हूँ, पंडित अरविंद कुमार वशिष्ठ जी जो समाजवादी पार्टी में आ गए हैं उनका धन्यवाद देता हूँ, प्रभा पाल जी जो समाजवादी पार्टी में शामिल होने इनका धन्यवाद। इनके साथ साथ बड़ी संख्या में और लोग भी समाजवादी पार्टी में आए, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी की आप मदद करेंगे। पूर्व मंत्री नारायण दास अहिरवार जी, इनका भी हम स्वागत करते हैं जो समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। आप बताइए इतना समर्थन कभी समाजवादी पार्टी को मिला हो तो बता दो, और इतने दल कभी समाजवादी पार्टी के साथ आए हो तो बता दो। कोई वर्ग नहीं बचा, कोई जाति नहीं बची जो समाजवादी पार्टी का सहयोग मदद करने के लिए आगे ना आ रही हो। इसलिए आप सबसे विशेष और अपील है मेरी कि ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, यूपी बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान बचेगा।